हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आइए आज हम बनाते हैं गोभी की गुजिया। आपने गोभी के पराठे खाए होंगे, आज हम बनाते हैं गोभी की गुजिया। तो आपने देखा, मैंने ये गोभी ली, इसे मैंने ग्रेट कर लिया यानी कद्दूकस कर लिया, और ये अब छोटी छोटी हो गई है। तो आइए अब इसकी हम बनाते हैं सब्जी। हमने लिया है प्याज और लहसुन जो हमने छोटा छोटा काट लिया है, और जो गोभी हमने धुली है उस पर ही हमने हरी मिर्च काट ली। आप देख सकते हो मैंने तेल गरम किया है और तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने उसमें प्याज डाल दिया और लहसुन डाल दिया। इसे हम ब्राउन होने देंगे। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाएगा, जो हमने गोभी धुल के रखी थी उसे हम इसमें डाल देंगे और 5 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए। उसके बाद हम इसमें अपने सूखे मसाले मिलाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने इसे जलाते हुए ढक दिया। अब हमने इसमें सूखे मसाले मिला लिए और ये सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। मैंने जो जो मसाले मिलाए मैंने वो लिख दिए हैं। अब हम वो सब्ज़ी निकाल लेंगे और इसमें गोभी पकाने के लिए जो हम गुजिया पकाएंगे वो हम किस में पकाएंगे, हम इस सब्ज़ी में पकाएंगे। तो हमने क्या किया, वो वाली जो पहले बनाया था फिलिंग उसे हमने निकाल लिया और उसी कढ़ाई में तेल डाला और प्याज लहसुन डाल के ये हमने थोड़ी सी आलू और ये गोभी ले ली है। इसे हमने मसाले डाल दिए हैं, इसमें भी हमने सारे मसाले डाल दिए जो जो भी आप नॉर्मल सब्जी में डालते हो। और फिर हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा पानी। पानी हमने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि इसी पानी में हमें जो है गोभियाँ की जो गुजिया बनाएंगे वो हम इसी पानी में पकाएंगे। आप चाहे तो ये सब्जी ना बना के सिर्फ तेल और पानी और उसमें सारे मसाले डाल के भी पका सकते हो, पर हमने ये सब्ज़ी भी बना ली है। और ये सब्ज़ी आप चावल रोटी या जैसे मन हो आप उसमें खा सकते हो। तो हमने जो है आटा गूंद लिया था, और आटा जो है आपको काफ़ी टाइट ही गूंदना है वरना ये गोभिया की गुजिया फट जाएगी। तो आपने देखा मैंने छोटी सी पूड़ी बनाई और उसमें मैंने फिलिंग भर ली है और ये मेरी गुजिया तैयार हो गई है। ऐसे ही करके हम सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। तब तक हमारा पानी भी ये जो है कढ़ाई में है ये भी खोल गया है। अब हम एक एक करके इसमें सारी गुजिया डाल देंगे। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि जो गुजिया है वो दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो मैंने एक एक करके इसमें आधी गुजिया डाल दी है। मैंने सारी नहीं डाली क्योंकि वरना ये ज़्यादा हो जाएंगी और पक नहीं पाएंगे। तो हम जो गुजिया बनाए हैं वो हम दो बार में पकाएंगे। पहले मैंने थोड़ी गुजिया डाली है और ये आप देख सकते हो मैंने पलटते हुए इन्हें अच्छे से पका लिया है दोनों साइड ही, और 5 मिनट इन्हें तेज आंच में पकानी है और आप फिर इन्हें निकाल लोगे। आप देख सकते हो ये पक गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक एक करके, और अब हम क्या करेंगे उसमें धनिया डाल देंगे। और मैंने एक बार निकाल लिया तब हमने दोबारा भी इसमें डाल दी है गुजिया जो मेरी बची हुई थी। तो अब इन्हें हम 5 मिनट भी पकाएंगे, और जो देख सकते हो कि ये ग्रेवी भी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि सारी गुजिया जो हमने बाद में डाली थी वो भी निकाल लेंगे, उनमें भी हमारा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए आपकी सब्जी भी तैयार है। इसे आप रोटी या चावल के साथ जैसे मनो खा सकते हो। ये गुजिया हमारी तैयार है, अब आप खाइए और टेस्ट करिए, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। आगे नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये थी हमारी इंडियन डिश जो बनी थी गोभी से। और भी ऐसी नई रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।